अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? तो इकरार, मैं बहुत बोर होती हूँ। कोई मुझे कोई काम ही नहीं करने देता। शुक्र मनाओ तुम कि आराम करने को मिल रहा है तुम्हें और सब इतना ख्याल करते हैं तुम्हारा। शुक्र तो कर रही हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना, मुझे एक जगह टिक के नहीं रहा जाता। काम किए बगैर मैं वक्त कैसे गुजारूं? कोई मुझे कुछ करने ही नहीं देता। तो अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करो, बातें करो उनसे, एंजॉय करो। सारा दिन कितनी बातें करूं? अबरार ने भी मना किया हुआ है। वो जिन कंपनीज के साथ ऑलरेडी काम कर रहा है वो वही करना चाहता है। न्यू कंपनीज के साथ डील्स अवॉइड कर रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, हो सकता है। बताता कहाँ है, कुछ चाहता है कि बस सारा स्ट्रेस खुद ही फेस कर ले। मुझे खाला अम्मी भी कुछ परेशान लग रही थी। क्यों खैरियत? इकरार, ग्रोसरीज करनी है, बिल्स भी आ गए हैं, एकदम सारे खर्चे साथ हो गए हैं, तो जाहिर ही बात है। वो रानिया और मानू डिस्कस करनी थी तो सुन लिया मैंने। इकरार, आपको सैलरी नहीं मिली अभी तक? नहीं, पर कल तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। किराए के घर पे सारी सेविंग्स लग गई। ऑफिस वालों को एडवांस का बोल बोल के थक गया हूँ, रोज आजकल आजकल। लेकिन कल मिल जाएगी सैलरी, तुम परेशान मत हो। कुछ नहीं हुआ आपके तावीजों से, उल्टा और चीजें खराब ही हो रही हैं। अरे भाई, मैंने तो बहुत असर वाले तावीज दिए थे तुम्हें। तो फिर कोई असर क्यों नहीं हुआ? मुझे क्या पता था। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। नहीं, मजीद पैसे नहीं है मेरे पास। पहले तो वो बिना कहे मुझे पैसे भी दे दे देते, अब तो पूछते भी नहीं है किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए नहीं है मेरे पास पैसे। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों पे बंदिश कर दी है। बंदिश? हाँ बेटा, देखो कारोबारी हसद से भरी पड़ी है दुनिया। अब देखो फैक्ट्री में आग लगी तुम लोगों की, आसमान से तुम लोग जमीन पे आ गए हो। तुम फिकर ना करो बेटा, मैं हूं ना, आपकी मर्तबा ऐसा काट करूंगी कि याद रखेंगे वो। और ये काट आप मुफ्त में तो नहीं करेंगी? अब जाहिर सी बात है बेटा, मैं कोई अपने लिए थोड़ी पैसे लेती हूँ, अमल की चीजों के लिए उसी पे खर्च होते हैं पैसे। बस अब सोच लो, काट नहीं कराओगे तो हालात बस से बदतर हो जाएंगे। क्या पता बड़े घर से तुम लोग को छोटे घर में आना पड़े। नहीं नहीं रिफत खाला, ऐसा मत कहें, मैं नहीं रह सकती किसी भी छोटे घर में। मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का बंदोबस्त करती हूँ ना। ठीक है बेटा, पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, सारे पैसे दबा के रखे इसने। ले आएगी कल, देख लेना, मुझे पता है पैसे।